श्री हरिभाव माधव चावले। महाराष्ट्र राज्य के अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर आपके माध्यम से मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। महोदय, केंद्र सरकार के माध्यम से हर क्षेत्र में महाराष्ट्र राज्य पर अन्याय हो रहा है। महाराष्ट्र राज्य में भी कांग्रेस का ही शासन है और केंद्र सरकार में भी यूपीए शासन है, लेकिन मेरे में समझ में नहीं आ रहा है कि कांग्रेस के शासन होते हुए भी महाराष्ट्र राज्य पर यह अन्याय क्यों हो रहा है। हर सेशन की शुरुआत में महाराष्ट्र राज्य के माननीय मुख्यमंत्री एवं सांसद के पास कुछ लंबे समय से प्रलंबित विषय रखते हैं। आज भी यह सेशन में 43 ऐसे विषय है कि महाराष्ट्र राज्य के चार पांच साल से प्रलंबित है। उसमें का एक विषय अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है, मैं आपके सामने आपके माध्यम से संसद के सामने रखना चाहता हूं। महोदय, सन 2009-10 में केंद्र सरकार के जल संपदा मंत्रालय ने एआईबीपी के माध्यम से पूरे देश के लिए एक 1676 करोड़ की 3R ऑफ वाटर बॉडीज ये स्कीम मंजूर की है। 3R यानी रिपेयर, रिनोवेशन एंड रिस्टोरेशन। उसमें महाराष्ट्र सरकार की जल संपदा विभाग ने दो प्रस्ताव में 558 करोड़ के कुछ 1420 वाटर बॉडीज की रिपेयर करने का एक प्रस्ताव दिया है, वो दिया है 20-10-2010 को। उसके बाद केंद्र सरकार ने आंध्र प्रदेश, ओडिशा, कर्नाटक, तमिलनाडु ये सभी स्टेट को A3R के लिए पैसे की मंजूरी दी है। महाराष्ट्र राज्य का प्रस्ताव अभी भी उनके यहाँ प्रलंबित है। मैंने फाइनेंस मिनिस्ट्री में हर बार जाकर फाइनेंस जो सेक्रेटरी है उनके यहाँ दो दफे मीटिंग करके भी अब तक एक महाराष्ट्र राज्य के ये 558 करोड़ के लिए मंजूरी नहीं मिल रही है। अध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्र राज्य की 30-40 साल से ये जो वाटर तालाब है, जो केटीवेयर है, वो रिपेयर करने के लिए पैसे की अत्यंत आवश्यकता है। मैं आपके माध्यम से फाइनेंस मिनिस्टर को विनती कर रहा हूं, उनका ध्यान आकर्षित कर रहा हूं कि महाराष्ट्र राज्य के इस गहन विषय को आप ध्यान में रखें। महाराष्ट्र राज्य से ही आपके फाइनेंस मिनिस्ट्री प्रबल होती है, क्योंकि सबसे ज्यादा पैसा महाराष्ट्र शासन से आता है। आप उसमें का थोड़ा सा हिस्सा अगर 3R बॉडीज मंजूर करने के लिए दीजिएगा तो महाराष्ट्र शासन के प्रलंबित विषय को तत्काल एक अच्छा काम हो सकता है। ग्राउंड वाटर लेवल भी कम हो रही है, हर फार्मर की, हर एरिया की डिमांड चल रही है कि तालाब दुरुस्त होने चाहिए। मैडम, अहिल्या देवी होलकर के टाइम से तालाब है और अब तक रिपेयर नहीं हो रही है। मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं कि सरकार इसमें त्वरित ध्यान दे और उसको मंजूर दे।